सीरियल गुमिक सी के प्यार में फाइनली सुरेखा मांगेगी ईशा से माफी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। चिन्मय और शिखा और सभी और ईशान दोनों का ही रिश्ता दांव पर लग जाएगा। चिन्मय जहां पर तलाक देने का फैसला कर चुका है, वहीं पर सभी भी ईशान को छोड़ने का फैसला कर लेगी जब उसके परिवार की मौत का इल्जाम उसे पता चलेगा। देखने को मिलने वाला है कि सुरेखा को यहां पर अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह से उसने ईशा के साथ गलत किया है, और उसी गलतियों को अस्मिता उसे समझाते नजर आएगी कि चाहे कुछ हो जाए, आपने हमेशा किसी के साथ गलत किया है, कभी आपने सोचा है मुझे आप अगर मुझे थप्पड़ मारना चाहती हैं आज तो मार सकती हैं, मुझे घर से निकालना चाहती हैं निकाल सकती हैं, लेकिन आज मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपके इस घर को कोई बचा सकता है तो वो ईशा वहीनी है। जी हाँ दोस्तों, अस्मिता यहाँ पर सुरेखा से ये कहते नजर आएगी कि अगर आपके घर को आप टूटने से रोकना चाहती हैं तो आपको ईशा वहीनी को वापस इस घर में लाना ही होगा, जिसके बाद देखने को मिलने वाला है अपने टूटते हुए परिवार को जोड़ने के लिए। हमेशा ईशा पर जो इल्जाम उसने लगाया कि उसी ने इस परिवार को तोड़ा है, कोई जिम्मेदारी नहीं संभाली, लेकिन अब ईशा ही होगी जिसको अब इसके सामने वो हाथ जोड़ते नजर आएगी अपने परिवार को बचाने के लिए। क्योंकि भाई यहाँ पर ईशान के सामने चिन्मय ये भी राज खोल देता है कि ईशा को घर से निकालने वाली सुरेखा है, और उसने काफी जो गलत किया है वो सारे इल्जाम सुरेखा पर लग जाते हैं, जिससे कि ईशान भी उससे नफरत करने लगेगा और सुरेखा के पास ईशा से मदद मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जिसके बाद सुरेखा को अपनी गलतियों और पापों की सजा भुगतने के लिए ईशा के पास पहुंचेगी और कहेगी, तू अगर मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते, लेकिन तुझे अब वापस घर आना ही होगा। एक बार भी उसे शो मेकर ईशा की एंट्री शो में करवाते नजर आएंगे।